लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी ही सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का होगा। हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है, वे सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसर्च में मैंने लिया हुआ है। शायद 11 तारीख को मुझ पर बंगाल पुलिस ने FIR दर्ज किया है, तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इमेज की बात नहीं होती, इमेज तो आप बनाएंगे ना, तब तो बनेगी। तो हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति पर आधारित है, जो कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये बेस्ट उस पर है। और ये सारे फैक्ट्स पर, मतलब ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके सारे एविडेंस, सारी चीजें, सारा रिसर्च में मैंने लिया हुआ है। और उस ब्याह पर हमने एक महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। नलवाखली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। खबर को इस तरह दबा दिया गया कि प्रेस तक को कानो कान खबर नहीं हुई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं। यहाँ तो गवर्नर को इस सम्मेलन में घुसने नहीं दिया गया, CBI को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी समय में भारत का मैनचेस्टर रहा पश्चिम बंगाल, अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है, जहाँ लोकतंत्र के दूसरे पहलू का फायदा उठाने के लिए संगठित रोहिंग्या और कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है। वहीं असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की ये मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। सीमावर्ती इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं, यहाँ से लाखों लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत के कोने कोने में जाकर बस रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, संदेश स्पष्ट है। तुष्टिकरण की राजनीति ने हिंदुओं के 30 त्योहारों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। तुम फौरन अपनी लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाओ, पश्चिम बंगाल अब कश्मीर से ज्यादा बदतर होता जा रहा है। हिंदुओं पर ट्रेलर लॉन्च होने के बाद अभी शायद 11 तारीख को मुझ पर बंगाल पुलिस ने FIR दर्ज किया है, और ऐसी धाराएं उन्होंने लगाई हैं कि जैसे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्या क्या धाराएं लगाई हैं, क्या है जी? जी मुझे अभी तो वकील साहब मेरे बात कर रहे हैं उधर, और मुझे न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा है। मैं जो भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कानून का दुरुपयोग ना हो। मुझे आज मीडिया में आने का सिर्फ इतना ही रीजन है कि अगर मेरे साथ कुछ होता, क्योंकि बंगाल पुलिस चाह रही कि वो मुझे अरेस्ट करे बिना वजह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं एक डायरेक्टर हूं और फिल्में बनाता हूं, लेखक हूं, जो मुझे सच लगा वो मैं लिख रहा हूं। तो सच की आवाज़ को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा, इसलिए आज आपके सामने आना मेरा बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से भी आग्रह करूँगा कि इसको संज्ञान में लेकर थोड़ा सा इन चीज़ों को, जो हम जैसे लोगों को दबाया जाता है, जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, थोड़ा संज्ञान में लें और एक इंसाफ के लिए एक सच की आवाज़ के साथ में खड़े हों। हिंदुओं पर हुए सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम, सामूहिक बलात्कार और पलायन की घटनाओं को दबा दिया गया। धार्मिक प्रयोगशाला बन चुके पश्चिम बंगाल के हालात को आज पूरा देश जानता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। आपकी इसी खामोशी की आवाज है वेस्ट बंगाल की पुलिस का ये कहना है कि ये जो प्रदेश है वेस्ट बंगाल, उसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं इमेज को हट करने की कोशिश की गई है इस मूवी के मतलब। देखिए इमेज की बात नहीं होती, इमेज तो आप बनाएंगे ना, तब तो बनेगी। और किसी स्टेट पर क्यों नहीं इस तरह की इमेज बनती है या लोग जो बोलना चाहते हैं, ये तो फैक्ट्स की बात होती है। ये तो आपका कहने का मतलब आपने मुझे बदनाम कर दिया। आप जब खुद ही वैसे हैं तो आप पर लोग बोलेंगे ना, ये तो कहने की कोई बात नहीं होती है कि आपने मुझे ये कर दिया। मैं जो कर रहा हूँ, जो हमारी फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, वो कोई मैं अलग से लेके नहीं आया हूँ, ना मैं कोई थोप रहा हूँ किसी चीज़ को। जो चीज़ें हैं वो सारा उनका एविडेंस है मेरे पास, और जो हुई हैं अभी जो आज़ादी के बाद से जो चीज़ें हुई हैं वही तो मैं दिखा रहा हूँ उसमें। सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या क्लियर? अभी एक्चुअल में फिल्म अभी एक्चुअल में फिल्म की 60% शूटिंग हुई है, 40% शूटिंग बाकी है, और मैंने बंगाल में कोई शूटिंग भी नहीं की है। मैंने बंगाल दूसरी जगह क्रिएट किया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को शूट किया है, किसी भी तरह कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया मैंने।
और ये फिल्म मेरे ख्याल से अगले महीने अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सेंसर में जाएगी। तो ये ट्रेलर के लिए सेंसर की जरूरत नहीं होती, ट्रेलर अगर गया है तो? नहीं देखिए, अभी तो क्या है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं उसका पालन करता, अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होते तो पालन करता। ऐसे देखिए कितने सारे मौलाना के वीडियोज हैं, कितने भड़काऊ ऐसे वीडियोज हैं, आप देखो, आप उन पर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई होती? मैंने तो एक लोकतांत्रिक तरीके से काम किया है, मैंने बहुत सोच समझ कर अगर चीजों को मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस तरह से दमन किया जा रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि सच्चाई से बचना चाह रहे हैं।